गाइज़ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माई चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइज़ यहाँ पर सुबह खाना होने के बाद मैं आ गई थी किचन में किचन क्लीन करने। एक्चुअली सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर जो भी खाना बचा है, मतलब जैसे कि बर्तन में जो भी खाना बचा है वो निकाल के रख दूँगी। उसके बाद जो पहले बर्तन क्लीन किए हुए थे तो वो मैं ट्रॉलीज़ में रख दूँगी। उसके बाद जो बर्तन अभी खाना खाने के बाद जो निकले हैं बर्तन वो क्लीन करके रख दूँगी। और उसके बाद मुझे काउंटर टॉप भी क्लीन करना है, उसके बाद झाड़ू मारना है, उसके बाद पोछा मारना है। किचन में बहुत सारा काम हो जाता है यार, सारा दिन हमारा किचन में ही चला जाता है। एक हाउस वाइफ का तो काम सारा वही होता है, किचन किचन किचन, बस किचन में ही वो सीमित रहती है। बट अभी ज़माना बदल गया है, वैसे ऐसा नहीं है, बट किचन में कितना भी हो किचन में घुसना ही पड़ता है। तो कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो औरतें या कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, उसको किचन का काम करना ही पड़ता है। और कोई बात नहीं यार, जैसे कि हम लोग अगर मेड रखते हैं तो वो मेड इतना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती है या इतना अच्छे से नहीं करती है, मतलब मजबूरी में रखना ही पड़ता है। बट वो बोल रही हूँ कि जितना अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, अपने घर को क्लीन रख सकते हैं या अपने घर को मतलब अच्छे से रख सकते हैं, उतना मेड नहीं कर सकती। तो इसीलिए हमें अच्छा लगता है वो करते टाइम। और बस यहाँ पर अपना काम कंप्लीट कर लूँगी, उसके बाद हमें ना बाहर जाना है, मतलब डीमार्ट में जाना है, और डीमार्ट में कुछ ग्रॉसरी लेनी है। उसके बाद मम्मी को भी कुछ ग्रॉसरी लेनी है इसी वजह से, और कुछ सामान भी लेना था, तो इसीलिए हम लोग जाने वाले थे डीमार्ट। और बस इसीलिए यहाँ पर काम कंप्लीट कर रही थी, उसके बाद रेडी हो जाएंगे। और ना मैंने जो होम डेकोर के जो आइटम मैंने आपको दिखाए थे जिस दिन मैं आई थी, उसमें मैंने ना ये इंडोर प्लांट्स कुछ ऑर्डर किए थे और इतने सुंदर लग रहे थे मुझे जब मैंने देखा, और आए तो देखा तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मतलब इसके ऊपर ये जो ब्लैक दिख रहा है आपको गमला, इसके ऊपर एक कैप है, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स है उसके, मतलब जैसे कि रेड ग्रीन ऐसे। तो ग्रीन कलर का मैंने अपने किचन के लिए लिया है, जैसे कि मेरे किचन की थीम है। और ये कुछ इस तरह से बम्बू प्लांट्स वगैरह, ये जब लगाऊंगी ना आपको दिखाऊंगी कहाँ कहाँ पर रखे हैं, और बहुत अच्छे आया है। इसे अच्छे से रखूंगी और तब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कहाँ कहाँ पर मैंने रखे हैं। बट उससे पहले ना आप मम्मी के हाथों से बनी रेसिपी देख लीजिए। ये यहाँ पर मम्मी नारियल की बढ़िया बना रही है, और वो भी गीले नारियल की। तो मम्मी ने क्या किया था, गीले नारियल थे उसे कद्दूकस कर लिया था, उसके बाद उसकी बढ़िया बना रही है। उसके लिए घी डाल दिया है सबसे पहले पैन में, और जो गीले नारियल ना बहुत सारे हो गए थे जमा, मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या होता है मराठियों में, जो लड़की होती है उसको जब मायके से वो आती है उसको ना, मतलब उसको नहीं दिया जाता है, दामाद को टॉवल और नारियल दिया जाता है। तो उसमें से काफ़ी सारे नारियल जमा हो गए थे मेरे पास, तो इसीलिए मतलब मेरे उधर के और भाई के यहाँ पे गई थी तो उनके यहाँ का और मतलब इधर के ऐसे जमा हो गए थे, तो इसी वजह से वो फोड़े हमने यहाँ पर आने के बाद, और उसकी ये कद्दूकस किया और ये कुछ खाए, और उसमें से कुछ कद्दूकस करके इसकी बढ़िया मम्मी बना रही है। और जो मम्मी बड़ी बनाती है ना, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनाती है कि आपको क्या बताऊँ। वैसे भी मम्मियाँ बहुत अच्छा खाना बनाती है, मतलब किसी की भी मम्मी हो, मेरी हो या आपकी हो, मम्मियाँ बहुत अच्छा बहुत टेस्टी खाना बनाती है। तो यहाँ पर मम्मी ने क्या किया वो भी बताना भूल गई आपको, इतना बातें करती हूँ मैं आप लोगों के साथ और आप बोलते भी हो इतनी बातें क्यों करती हो, बट यार मेरा काम ही है वो, मेरा प्रोफेशन ही वैसा है कि आप लोगों से बातें करने के लिए मैं यहाँ पर आती हूँ। और हाँ, मैंने क्या किया है, मतलब मैंने नहीं, सॉरी मम्मी ने घी डाला है पहले, उसके बाद घी को मेल्ट होने दिया था, उसके बाद ये जो कद्दूकस किया हुआ नारियल है, गीला नारियल, सूखा नारियल बोल रही थी, गीला नारियल है वो डाल दिया था। उसके बाद उसे अच्छे से भून लिया, उसके बाद उसने डाला चीनी, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब नारियल जितना था उसके अकॉर्डिंग मम्मी ने एक कटोरी चीनी डाली है। उसके बाद अच्छे से चीनी मेल्ट होने देंगी, और जब तक चीनी मेल्ट नहीं होती तब तक उसे चलाते जाएंगे, और उसका ब्राउन कलर होना चाहिए तब तक चलाते जाना है। और तब तक ना मम्मी ने एक बड़े प्लेट को घी लगा के रख दिया था, तो वहाँ पर उसमें बढ़िया बनाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छे से ब्राउन कलर हो रहा है इसका, मतलब ब्राउन कलर होने तक चलाते जाना है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी यार, बढ़िया। और तीन चार नारियल फोड़े थे यार, मतलब इतनी सी बनी है उसकी, नहीं वैसे हम लोगों ने खाए भी थे। उसके बाद जो बचा था उसका कद्दूकस करके मम्मी ने बढ़िया बनाई, और इतनी जल्दी जल्दी खा ली हम लोगों ने सब ने वो, मतलब एक एक पीस ही आया सबको, इतनी सी तो बनी थी, और उसमें भी एक एक पीस सब ने लिया और ख़त्म भी हो गई। और बस यहाँ पर मम्मी ने जो थाली को वो नहीं लगाया था, घी लगाया था, उसमें ही मम्मी वो प्रेस कर रही है उसको,
और इसे ना काफ़ी देर तक ऐसे प्रेस करना है आपको, मतलब जैसे कि ये गर्म होता है तो अच्छे से प्रेस करना है ताकि ये सेट हो जाए। और ना आपको गरम गरम ही इसे काटना है, जैसे कि उसको शेप मिल जाए एक, और गरम गरम काटने के बाद आपको इसे सेट होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तब ये सेट हो जाएगा, उसके बाद आपको इसे निकालना है और तब जाके ये बढ़िया आपकी अच्छे से निकलेगी, नहीं तो ये टूटेगी बढ़िया। तो इसी वजह से आपको जब प्रेस आप करते हो इसको तब ध्यान देना है, प्रेस अच्छे से करना है और उसके बाद सेट अच्छे से होने देना है और गरम गरम ही इसे काटना है आपको। जब ठंडा होने के बाद अगर काटोगे तो बढ़िया पूरी टूटी हुई निकलेगी। तो यहाँ पर आप मम्मी देख सकते हो कैसे कर रही है, तो इस तरह से प्रेस कर रही है, उसके बाद अच्छे से उसे रखेगी सेट होने के लिए और अभी इससे काटेगी और उसके बाद निकालेगी। तो ये हो गई हमारी रेडी बढ़िया, और आप भी आ जाइए खाने के लिए, हम तो खा ही लेंगे। आज आपके लिए मम्मी ने मीठा बनाया है तो जल्दी से आ जाइए मीठा खाने के लिए। बस यहाँ पर हम लोग सेट होने के लिए रख देंगे, उसके बाद मम्मी रेडी हो जाएगी और उसके बाद निकालेंगे तो खा लेंगे। मम्मी उधर बढ़िया बना रही थी और इधर बच्चे वेट कर रहे थे खाने के लिए, और जो भी उनकी नानी बनाती है उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइज हम लोग जा रहे हैं डीमार्ट, एक्चुअली रेडी हो चुके हैं सब लोग और निकलने वाले हैं डीमार्ट जाने के लिए। क्या हुआ है कि ग्रॉसरी भी ख़त्म हो गई है घर की, और उसके बाद घूमना का घूमना भी हो जाएगा और ग्रॉसरी लाना भी हो जाएगा, इसी वजह से जा रहे हैं डीमार्ट। और कुछ सामान भी ख़रीदना है मम्मी को, मतलब यहाँ के मार्केट से, तो शायद हो सकता है हम लोग वहाँ पर भी जाएँ। तो जहाँ पर भी जाएंगे आप लोगों के साथ तो शेयर करूँगी ही। चलिए फिर चलते हैं, अभी काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं सब लोग। कुछ रेडी हो गए थे, कुछ लोगों का रेडी होना बाकी था। मासी की बेटी भी आया है, दो भाई भाभी भी आया है, तो सब लोगों को लेके जा रही हूँ अभी। बस निकल चुके हैं डीमार्ट जाने के लिए, और हाँ ये पहले का ब्लॉग है तो इसी वजह से मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग जाने वाले थे साड़ियाँ लेने के लिए भी, क्योंकि नई भाभी की पहली संक्रांति है मकर संक्रांति, और हाँ आज मकर संक्रांति है। तो हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, मकर संक्रांति की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, और नए साल का पहला त्यौहार है तो आपका ये त्यौहार बहुत ही अच्छे से जाए और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाओ आप सब लोग। तो हाँ मैं क्या बता रही थी आपको कि मकर संक्रांति के लिए नई भाभी के लिए साड़ी लेने जाने वाले थे हम लोग। मतलब हमारे साइड में क्या होता है कि ब्लैक साड़ी लेते हैं, नई जो शादी होती है और पहला संक्रांति का त्यौहार जब आता है तो नई बहू को उसके ससुराल वाले ब्लैक साड़ी लेते हैं और वो ही ब्लैक साड़ी पहन के उसको पूजा करनी पड़ती है, मतलब संक्रांति की। ऐसा हमारी साइड का कल्चर है, और बस उसी के लिए ब्लैक साड़ी लेने हम लोग आज जाने वाले थे, बट आज जाना नहीं हुआ क्योंकि डीमार्ट में ही इतना ज़्यादा हमें टाइम लग गया कि आपको क्या बताऊँ। क्योंकि मम्मी ने टाइम पे बोला उसको, मेरे भाई को, कि हमारे लिए भी मतलब ग्रॉसरी लेनी है डीमार्ट से ही, क्योंकि ना उनके यहाँ पर भंडारा होता है। जैसे कि मैंने आपको खेत जब दिखाया था, वहाँ पर जो मंदिर दिखाया था वहाँ का, मैंने आपको बोला था कि अगले महीने भंडारा है वहाँ पर, तो उस भंडारे के लिए जो ग्रॉसरी लगेगी वो भी मम्मी ने टाइम पर बोली उसको कि हमें यहाँ से ही ग्रॉसरी लेनी है। तो मम्मी ने भी सारी ग्रॉसरी यहाँ से ही ली, हमने भी वहाँ से ही ली, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा टाइम लग गया और इतना ज़्यादा खर्चा भी हो गया, आपको क्या बताऊँ। हमने जो हमारे घर के लिए सामान लिया वही सामान इतना ज़्यादा महंगा हो गया, मतलब 11:30 से 12 का बजट उसका हुआ है, और मम्मी के घर का जो सामान था तो वो तो बहुत ज़्यादा था, तो वो तो मतलब 14,500 का हुआ था, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब उसमें खर्चा भी हो गया, हमारा ही इतना ज़्यादा महंगा हो गया। मतलब ऐसे ही हम लोगों ने ज़्यादा की चीज़ें ली, जैसे कि अभी वहाँ पर जा रहे थे घूमने के लिए तो वहाँ पर उधर पहनने के लिए स्लीपर्स और ये वो बहुत सारी ऐसी फालतू की चीज़ें ली हम लोगों ने जो काम की भी नहीं थी। और उस टाइम ना बच्चे ऐसे करते हैं कि हाँ लेना है करके ट्रॉलीज में डालते रहते हैं, और फिर वहाँ पर जाओ तो बिल बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब जो चीज़ लेने जाओ वहाँ पर वो चीज़ नहीं लेते, और जो चीज़ नहीं लेने जाओ वहाँ पर वो चीज़ हम लोग लेके आते हैं, तो सबका ऐसा ही खर्चा हो गया। और हाँ सडनली मुझे आपके कमेंट्स याद आया कि आप लोग बोल रहे थे आपकी भाभी साड़ियाँ ही पहनती है, सूट नहीं पहनती। तो यार आप लोगों को हमारे यहाँ के कल्चर नहीं पता है, हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि जो नई शादी होकर बहू आती है वो 1.25 महीना साड़ियाँ ही पहनती है। तो आपको कमेंट्स में हर एक को रिप्लाई देना मतलब पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपको अभी बता देती हूँ। एकदम से जब वो दिखी मुझे ड्रेस पहने हुए,
तो मुझे लगा कि आपको बता दूँ। और हाँ, मेरे घर पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो बेटी कर सकती है और बहू नहीं कर सकती, उल्टा तो बहुओं को बहुत ज़्यादा छूट है मेरे घर पे। और जैसी मैं हूँ वहाँ पे वैसे ही मेरे घर की बहुएँ हैं वहाँ पे, मतलब ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर पे, ये पहनो मत या वो पहनो मत, और इसके लिए प्रॉब्लम उसके लिए प्रॉब्लम, किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम नहीं है हमारे घर पे। और कल के ब्लॉग का तो एक अजीब ही कमेंट था, मतलब आपकी मम्मी के सामने जो नई भाभी है आपकी, वो पैर के ऊपर पैर रख के बैठी है और रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है डियर, मतलब जैसे मैं हूँ, जैसे मैं फ्रीली बैठ सकती हूँ उनके सामने, वैसे ही उनकी दोनों बहुएँ भी बैठ सकती है। और इसमें रिस्पेक्ट देने वाली और रिस्पेक्ट ना देने वाली ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ पे बहुओं को बेटी माना जाता है और वैसे ही उनके साथ रहते हैं। और हाँ, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि आपकी भाभी घूंघट नहीं लेती, मतलब घूंघट लो तो प्रॉब्लम, घूंघट ना लो तो प्रॉब्लम, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे रहे, मतलब हमारे साइड में जैसे रहता है वैसे ही मेरी भाभी रहती है यार, मतलब उसमें कोई फेक नहीं दिखाती हूँ मैं, जो है वही दिखाती हूँ। ऐसे ही हमारे साइड के रीति रिवाज है और ऐसे ही हमारे साइड का कल्चर है। तो चलिए, यहाँ पर घर पे आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मैंने प्लांट्स लिए थे मैंने वो कहाँ कहाँ पर रखे हैं। तो ये जो बम्बू प्लांट है वो यहाँ पर रखा है, इसके नीचे मतलब वो प्लास्टिक की कटोरी आई थी बट हम लोगों ने ये ग्लास की कटोरी रखी है। इसे वैसे लक्की बम्बू भी बोलते हैं और इसे घर में रखना बहुत ज़्यादा लक्की होता है, बहुत ज़्यादा शुभ होता है, तो इसी वजह से ये मैंने लिया है। और हाँ, जितना ये पौधा ग्रो करता है उतनी ही आपके घर में पैसे की बरकत रहती है। तो ये यहाँ पर रहता है और उसके बाद ये जो प्लांट है वो साइड का वो वहाँ पर रहता है। और एक प्लांट है जो ये यहाँ पर रखा है हमने, बट इसकी जगह मैं अलग चेंज करने वाली हूँ, वह सभी का यहाँ पर रख दिया था मैंने। ये भी बहुत ही सुंदर है यार, बहुत सुंदर आया है सारे प्लांट्स। और आपको मैं बता दूँ कि जब मैं वहाँ पर गई थी तब से ये ऐसे ही पैक थे और तब से हम लोगों ने ओपन नहीं किए थे, बट जब मैं यहाँ पर आई ना तो ऐसे के ऐसे ही थे, मतलब ये 15 से 20 दिन हुए होंगे ये आए हुए और ये ऐसे के ऐसे ही यहाँ पर पैक थे, बट हम लोगों ने जब ओपन किए तो इसको कुछ भी नहीं हुआ हुआ है। और ये है एक प्लांट जो मैंने यहाँ पर रखा है, मतलब मेरी जो किचन की थीम है वो ग्रीन है तो इसी वजह से इसका जो पॉट है वो ग्रीन था, तो इसीलिए मैंने ये यहाँ पर रख दिया। और ये भी बहुत ही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बहुत सुंदर लग रहा है। और इसको ना हम लोग स्प्रे बॉटल से पानी डालते हैं, मतलब स्प्रे करते हैं सिर्फ इसमें, और बहुत सुंदर लगता है यार इसमें किचन में ये। तो ये यहाँ पर रखती हूँ मैं, जो यहाँ पर ये बनाया हुआ है यहाँ पर रखती हूँ। तो ये है एक प्लांट जो मैंने लिया था और उसके बाद ये एक इन्होंने लगा दिया था, ये मैंने लाइट ऑर्डर किया था हैंगिंग लाइट, और ये इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है मिरर के ऊपर। यहाँ पर हम लोगों ने दूसरा लाइट लगाया था जो हम लोगों ने उधर शिफ्ट कर दिया है उधर वाले बेसिन के ऊपर, तो ये यहाँ पर अभी लगाया है और इतना सुंदर लग रहा है ना यहाँ पे। ये मैंने इसलिए ऑर्डर किया था कि आपको याद होगा मैंने मेरे हॉल का मतलब लिविंग रूम का जो झूमर दिखाया था वो भी इसी टाइप का था, इसी वजह से उससे मैच करने के लिए मैंने ये ऑर्डर किया था और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा रिसीव हुआ है। तो ये मैंने यहाँ पर मतलब मैंने नहीं इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है। कैसे लगी आपको ये सारी चीज़ें मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको अगर परचेज़ करना है इनमें से कोई भी चीज़ तो मेरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दिया है, लिंक पर क्लिक करके आप इन प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट्स मुझे काफ़ी अच्छे क्वालिटी के रिसीव हुए हैं और उसके बाद काफ़ी कम रेट के हैं। परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लेना। और अगर आपको नहीं पता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है तो टाइटल पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा। सो गाइज, हम लोग आ गए थे घर पे और उधर से आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी थी यार, मतलब हम लोग खाना नहीं खा के गए थे ना, सिर्फ नाश्ता ही करके गए थे तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। तो उधर से आने के बाद खाना खाया, फिर हम लोग लेटे, अभी सब लोगों ने जो जो लाया है वहाँ से वो ट्राई करके देखा। एक्चुअली हाँ, 2 मिनट आले तर एक्चुअली माही ने कुछ टॉप लिए हैं और दीपा ने कुछ टॉप लिए हैं तो वही ट्राई कर रहे थे सब लोग। अभी बस अभी न्यू ईयर की तैयारी करेंगे 31st मनाने की। तो चलिए, इसके साथ इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ 2 और चैनल है मेरे, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।